हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आरोग्य ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जनरली बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर पे फ्लडेड हैं जिनका नाम उससे सिमिलर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो जो ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है वो ऐप कौन सा है और आप उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो। तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। ऑफिशियली उसका नाम आरोग्य सेतु है। ये जो टॉप में हमें दिख रही है ये है ऑफिशियल ऐप। आप इसकी डिटेल्स में जाकर इसके बारे में देख भी सकते हो। आप इसकी डिटेल यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आरोग्य सेतु एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। और जनरली ये ऐप की कंपैटिबिलिटी के बारे में बताई गई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में बताई गई है और किस तरीके से आपको इन्फॉर्म करता है, आपको के रिस्क के बारे में बताता है। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मात्र 2.87 MB की ऐप है, ऐप डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद हमने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये मुझसे लैंग्वेज पूछ रही है। मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। आप अपनी मनचाही लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। आफ्टर दैट ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें बता रही है। ईच वन ऑफ अस हैज़ द पावर टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया, कि हम सभी में पावर है कि हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड इफ़ यू हैव क्रॉस्ड पाथ्स विद समवन हु हैज़ टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव, कि अगर आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट जिसकी कोरोना टेस्टिंग पॉजिटिव पाई गई है उसके अगर आसपास से गुज़र रहे हो तो क्या आप चाहते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो। नेक्स्ट ये आपको बता रही है कि आरोग्य सेतु ऐप वर्क कैसे करता है। ये वर्क करता है ब्लूटूथ और लोकेशन की यूज से, GPS की यूज से वर्क करता है। सिंपली हमें करना क्या है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ब्लूटूथ और लोकेशन हमें ये दोनों सेटिंग और दोनों शेयरिंग जो है हमेशा के लिए इसे ऑन करके देनी होती है। और अगर हम किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के आसपास आ जाते हैं तो ये हमें ये अलर्ट करता है। अलर्ट क्या करता है, अलर्ट करता है टू सेल्फ आइसोलेट, कि आप दूर हो जाओ उस पेशेंट से। ओके, आरोग्य सेतु ऐप से हम अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो COVID-19 से फाइट कर सके। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये ऐप आप प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करो और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प करो। आफ्टर डैट इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, अपनी ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, अपनी GPS हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, जिसके हेल्प से आपको पता लग पाएगा कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के आसपास तो नहीं हो। मैं रजिस्टर करता हूँ। अब रजिस्टर करने के बाद कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी है, आप इसे पढ़ लीजिए। दैट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू सेट योर लोकेशन शेयरिंग टू ऑलवेज, यू कैन चेंज दिस एनी टाइम, मतलब हमें लोकेशन शेयरिंग जो है वो ऑलवेज करके रखनी होगी। आफ्टर डैट ये ब्लूटूथ का यूज़ करता है। हमारी जो डेटा है जो हम इसमें फिल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर की जाएगी। आई एग्री पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही ये मुझसे लोकेशन एक्सेस मांगी, मैंने इसे अलाउ किया। अलाउ करने के बाद ये GPS ऑन करने को बोल रही है। आफ्टर डैट ये मुझे बोल रही है कि मेक योर फ़ोन विजिबल टू अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस फॉर 120 सेकेंड्स। लेट मी अलाउ दिस। अलाउ करने के बाद इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया इसे। लेट मी इंटर द नंबर।
नंबर इंटर करने के बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी ये भी हो सकती है कि वो खुद रीड कर ले, एल्स यू हैव टू इंटर। इंटर करने के बाद आप ऐप का नया वर्जन देखो कि इसके पहले जो आरोग्य सेतु की ऐप थी उसका जीयूआई जो था वो थोड़ा डिफरेंट था आई थिंक। तो दोस्तों इसकी नई जीयूआई क्या बोलती है, इसकी नई जीयूआई बोलती है, तो दोस्तों इसकी नई जीयूआई हमें क्या बताती है, इसकी नई जीयूआई हमें बताती है कि मेंटेन करना है हमें सोशल डिस्टेंस और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है हमें लेनी है हमेशा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हमें लेनी है, चेक करना है ऐप को रेगुलरली। आप पूछ रहे होगे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट किस तरीके से ले सकते हो, तो यहाँ टेस्ट अगेन का कॉलम है, नीचे टेस्ट अगेन की बटन थी, इस बटन के पास आप आओ, उसके बाद अपने आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट किया मेल, मेल सेलेक्ट करने के बाद मुझे अपनी एज इनपुट करनी है, मैंने एज अपनी इनपुट कर दी। उसके बाद ये पूछेगा आपसे डेट आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कफ, फीवर या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैंने नन ऑफ द एवब लिखा। उसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज़ या हार्ट डिजीज़। तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना। आफ्टर दैट हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 14 डेज। तो भाई मैंने ट्रैवल नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड और लिव्ड विद समवन हु हैज टेस्टेड फॉर COVID-19, नहीं। आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर एंड आई एग्जामिंड अ COVID-19 कन्फर्म्ड केस विदाउट प्रोटेक्टिव गियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ द एवर, नन ऑफ द एवर। के बाद इसने मुझे एक ऐप ने मुझे एक नोटिफिकेशन दी डैट योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, वी रिकमेंड डैट यू शुड स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू नोवेल कोरोना वायरस, रीटेक द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इफ़ यू डेवलप सिम्टम्स और कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ COVID-19 कन्फर्म्ड पेशेंट। अगर मैं किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आता हूँ या मेरे में कोई सिम्टम डेवलप करती है तो मुझे ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दोबारा लेनी होगी। आप भी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लो, आप ये ऐप इंस्टॉल करो अपने फ़ोन पे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको आई थिंक रजिस्टर करना होगा। मैंने ऐप पहले से इंस्टॉल रखा था तो आई थिंक मेरे फ़ोन नंबर से इसने मेरी डेटा फेच कर ली। फेच करने के बाद ये इसने मुझे डायरेक्ट अपने होम पेज में बुला लिया। तो फाइनल जो ये योर इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो जो है ये आपकी फ़ाइनल आउटपुट है, आपकी इन्फेक्शन रिस्क ये आपको बता रही है। आप आरोग्य सेतु की इसी ऐप को डाउनलोड करो, बहुत सारे ऐप जो हैं प्ले स्टोर में फ्लड कर रहे हैं जो ऐप ऑफिशियल नहीं है, आपको इसी ऐप को फॉलो करना है, यही ऑफिशियल ऐप है। फिर से वापस हम होम पेज में आते हैं। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, से हाई विदाउट हैंडशेक्स। आफ्टर दैट अवॉइड सोशल गैदरिंग, कीप अ 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, आपस में 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। हाउ टू स्टे सेफ, किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं, मास्क का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइजर से, या तो आप सैनिटाइजर का भी यूज़ कर सकते हो, हैंड वॉश का भी यूज़ कर सकते हो, बेटर सैनिटाइजर यूज़ करो आप। आफ्टर डैट यहाँ पे पीएम केयर का अकाउंट नंबर, IFC कोड एंड UPI ID दी हुई है टू केयर इन प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो। टर्म्स ऑफ यूज़ में क्लिक करने पर मुझे टर्म्स ऑफ कंडीशन पता चलेगी। आप इस ऐप को इस शेयर बटन से शेयर भी कर सकते हो, क्लिक करके आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, वाया मैसेज शेयर कर सकते हो। तो ये ऐप बस इतना ही है, ये ऐप फाइनल मुझे दिखा रही है यू आर सेफ। अगर आप सेफ नहीं रहोगे तो अगर आप सेफ नहीं हैं इस ऐप के अकॉर्डिंग तो इसकी कलर चेंज हो जाएगी, ग्रीन जो है आई थिंक इट विल चेंज टू रेड और समवट अदर कलर। आप इस ऐप को रेगुलरली चेक करते रहें अगर आपको पता करना है आप सेफ हो या नहीं हो। ओके दोस्तों, थैंक यू ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।